मेरी ये किताब है भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं। इनमें मैंने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनकी लोक कथाओं को संग्रहित किया है, पुनर्लेखित किया है। उन्हीं में से एक भूटिया कथा मैं आपको सुना रही हूँ। कहानी का शीर्षक है बड़ा पहाड़ छोटा पहाड़। एक बड़ा पहाड़ था और एक छोटा पहाड़। बड़े पहाड़ को अपने बड़े होने का घमंड था, वह हमेशा छोटे पहाड़ को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। बड़ा पहाड़ कहता कि वह बड़ा है, इसलिए सूरज सबसे पहले उसके पास आता है। वह बड़ा है इसलिए बर्फ सबसे पहले उसके पास आती है, और वह बड़ा है इसलिए आकाश उससे बातें करता है। बड़े पहाड़ की ऐसी बातें सुनकर छोटा पहाड़ बहुत दुखी हो जाता। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी भी ऊंचाई बढ़ जाए और वह भी बड़े पहाड़ के बराबर हो जाए। एक बार भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उससे कहा, मैं तुम्हें एक दिन और एक रात के लिए बड़ा बना देता हूँ। यदि तुम्हें बड़ा होना अच्छा लगे तो मैं तुम्हें सदा के लिए बढ़ूंगा। विष्णु ने छोटे पहाड़ को एक दिन और एक रात के लिए बड़ा कर दिया। छोटा पहाड़ बड़ा होकर बहुत खुश हुआ। तभी उसने देखा कि अनेक पशु पक्षी उसके शिखर को छोड़कर नीचे जा रहे हैं। देखते ही देखते उसका शिखर सूना हो गया। थोड़ी देर में शिखर से नीचे आधी दूर तक के पेड़ों ने उसका साथ छोड़ दिया। पेड़ों के साथ छोड़ते ही मिट्टी ढहने लगी और चट्टानें निकल आईं। छोटे पहाड़ को अपना हरा भरा रूप बदसूरत होता दिखाई दिया। छोटा पहाड़ कुछ सोच पाता इसके पहले बादलों का एक रेला उससे आकर टकराया और वह पूरा का पूरा भीग गया। तो उसके ऊपर के पेड़ पौधे नहीं बचे और उस पर पानी पड़ जाने के कारण ठंड से वह थरथर कांपने लगा। पहाड़ के कांपते ही पहाड़ पर बचे पशु पक्षी में भगदड़ मच गई और उसे छोड़ छोड़ कर सब भागने लगे। कुछ देर देखते देखते ही पहाड़ सूना हो गया। वह अभी अपने सूनेपन से जूझ ही रहा था कि उसके शिखर पर बर्फ जमनी शुरू हो गई और उसका दम घुटने लगा। छोटे पहाड़ ने सोचा कि यदि यही हाल रहा तो पशु पक्षी कभी लौट कर नहीं आएंगे उसके पास और वह हमेशा अकेला रह जाएगा। उसने एक बार फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब वह छोटा ही बनना चाहता है, उसका बड़ा रूप उससे वापस ले ले। विष्णु ने उसे फिर से पहले जैसा छोटा बना दिया। उसके शिखर से बर्फ पिघल गई, हरियाली और पशु पक्षी लौट आए। उसके बाद छोटा पहाड़ बड़े पहाड़ के चढ़ाने पर भी ना तो कभी चिढ़ा और ना कभी दुखी हुआ। तो मित्रों, छोटा होना भी महत्वपूर्ण होता है।